पड़ा है, उस कब की भक्ति और कौन सी भक्ति। भक्त वो होते हैं चाहे हजार गाड़ियां भी कोई दे जाए, उनके लिए भी दुआएं करते हैं चुप रह के। तो ये संयम बचपन से लेके गृहस्थ जिंदगी तक हर किसी में होना हो जरूर होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए। और इसकी नींव पड़ती है ब्रह्मचर्य में, तभी से अगर आप संयमी हो जाते हैं, आप संयम रखते हैं, तो यकीन मानो बड़े होके भी घर परिवार को सुखी रखोगे और समाज को सुखी रखोगे। तो बहुत जरूरी है आप कौन सी लाइफ चुनी हुई है उसके अकॉर्डिंग चलना। ब्रह्मचर्य का तो मतलब ही नहीं किसी के मोह ममता में फंसने का, एक ही काफी होता है। वो कहते हैं एक ही काफी दूसरे से माफी। वो तो बच्चों के बारे में हमने एक नारा दिया था कि एक ही काफी और दो के बाद ना इंसाफी। चलो वो आपकी मर्जी, कुछ भी करो। आज ने ऐसा नारा बोला हमने आपके लिए, वो मर्जी है आपकी, करो ना करो, वैसे करना चाहिए। जनसंख्या की बाढ़ आ रही है, जनसंख्या का विस्फोट हो सकता है। इस पे हमने एक भजन भी बनाया, आपको सुनाएंगे जब भी टाइम आया, जब भी ख्याल में आया। तो जनसंख्या के ऊपर स्पेशली एक भजन, और एक जो परिवार टूट रहे हैं उनके ऊपर भी हम भजन लिखा है कि कैसे परिवार टूट रहे हैं, क्या क्या हो रहा है आज समाज में। क्योंकि कविराज है, अब जैसे शायर होता है वो लिखता है, पर कई ऐसे होते लिखने वाले उनको एकांत चाहिए, उनको समुद्र का किनारा चाहिए, अच्छी पर्वतमाला चाहिए, जंगलात चाहिए। इधर थोड़ा सा जट्टू सौदा है, ट्रैक्टर चल रहा है तो उसकी ढोल को बाजी बना के उसमें लिख दिया, कोई बोले जा रहा है तो भी कोई बात नहीं, कोई टीवी बच्चे देख रहे तो कोई बात नहीं, वो कोई भी देख रहे उनकी आवाजें आ रही है, अपना काम लॉक किया सारी चीजें और लिख दिया। पर ये लॉक हर कोई कर पाएगा ऐसा संभव नहीं होता, और असंभव भी कुछ नहीं है। यानी वही सिक्स सेंस पावरफुल हो उसी से काम लेते, बाकी लॉक कर दी जाती कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। देश दुनिया की तमाम खबरों नाल जुड़े रहने लिए सब्सक्राइब करो यूट्यूब ते सच कहूं पंजाबी चैनल, इस दे नाल ही बेल आइकन दब के पाओ लेटेस्ट अपडेट सब तो पहला।